और उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एसपी बीएसपी विधायकों ने किया जमकर हंगामा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पोस्टर भी लहराए, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह आचरण निंदनीय है, असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है। जबकि एसपी और कांग्रेस ने सीएम की भाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, बजट सत्र की हुई हंगामेदार शुरुआत, सदन और सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, सीएम योगी ने सदन में हंगामे की निंदा, सीएम की भाषा पर विपक्ष का सवाल। यूपी में बजट सत्र का आगाज काफी हंगामेदार रहा। विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, लेकिन सदन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। यहां तक कि राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने उनकी ओर कागज के गोले भी उछाले। राज्यपाल जैसे ही सदन के भीतर अभिभाषण के लिए दाखिल हुए, तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। सपा बसपा के विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए और उनकी तरफ कागज के गोले भी फेंके। हंगामे के बीच राज्यपाल ने करीब 55 मिनट में पूरा अभिभाषण पढ़ दिया और प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का सिलसिलेवार ब्यौरा पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल पर कागज के गोले फेंकने के मामले पर एसपी बीएसपी विधायकों की निंदा की है। सीएम ने एसपी विधायकों को गुंडा तक कह दिया। जिस प्रकार से राज्यपाल के प्रति वहां पर नारेबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागर्दी की हद में जाकर के श्री राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। और ये बातें इस बात को साबित करती हैं कि समाजवादी पार्टी अपने गुंडागर्दी के आचरण से अभी भी बाज नहीं आ पा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सीएम के इस बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। वहीं कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी सीएम की भाषा पर सवाल खड़े किए हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी गुंडा होंगे तो उनको पहचान में होता होगा कि कौन गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी स्वच्छ छवि की राजनीति करती है और इस तरह की मुख्यमंत्री को बात नहीं करना चाहिए। और अगर जैसा वो कहेंगे जवाब वैसा फिर मिलेगा विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की होती है सदन चलाने की और शब्दों का चयन, लोगों के विषय में हम क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक उच्च श्रेणी के कुर्सी पर बैठे हैं, संवैधानिक पद है, साधु के भेष में लपटे हुए हैं गेरुआ, ऐसे हल्की हल्की बात उनको नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पहले अपनी भाषा देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक उन्होंने सिर्फ उग्र बातें की हैं, उग्र भाषण दिए हैं, तो मुझे लगता है उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। वो भी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लिखित रूप से माना है कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, प्रदेश में विकास दर घटी है, तो ऐसे मुख्यमंत्री से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। पहले मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। विधानसभा में हंगामे के दौरान गाजीपुर के सैदपुर से सपा विधायक सुभाष पासी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के दौरान वेल में गश खाकर गिर गए, जिनको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने अपने तेवर जता दिए थे। एसपी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू के साथ
कांग्रेस विधायक ने अलीगढ़ की घटना के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे बजट सत्र के आगे भी हंगामेदार रहने के पूरे पूरे आसार हैं। नेशनल वॉइस के लिए लखनऊ से रजनीश पांडे की रिपोर्ट।